तो भैया फाइनली तापसी पन्नू बॉलीवुड को बचाने एक और मूवी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है बलर। अब अगर बात करें ये सीधा OTT पे रिलीज हुई है क्योंकि ये मूवी तापसी पन्नू की है तो 100% भैया रीमेक तो होगी होगी। और इस मूवी से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, और आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये मूवी से उम्मीद हम लगा सकते हैं, ये मूवी आप लोग देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए वो आज हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात करूं तो तापसी पन्नू के साथ आप लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि तापसी पन्नू एक अच्छी एक्टर है और वो जो मूवी लेकर आ रही है क्योंकि रीमेक को सहारा देती है वो और काफ़ी रीमेक करती है, तो उनकी रीमेक को भैया पसंद करना चाहिए आप लोग को चाहे कैसी भी मूवीज हो। लेकिन खैर उसको साइड करते हैं, आप लोग सीख जाओगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन यार ये जरूर कहूँगा कि ये मूवी से आप लोग जरूर इंटरटेन हो जाओ क्योंकि ये एक सस्पेंस ड्रामे की मूवी है और ये मूवी रीमेक। लेकिन खैर अगर बात करें तापसी पन्नू की ये जो बलर मूवी है किस तरह की मूवी है, क्योंकि मुझे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टार कास्ट ओके लगी तापसी पन्नू के अलावा, मतलब कि सबका काम अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ सभी एक्टरों का काम आप लोग आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। म्यूजिक इसका बैकग्राउंड स्कोर जिस तरीके से अगर कहूँ डायरेक्शन जिस तरीके से मूवी को दिया गया है और जिस तरीके से मूवी में सस्पेंस ड्रामा आप लोग जिस तरीके से आप लोग म्यूजिक वाइज आप लोग कनेक्ट करती है स्टोरीज की आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली मूवी बहुत ही अच्छी लगी और देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि यार आगे क्या होगा आगे क्या होगा, क्योंकि ये मूवी आप लोग इस टाइप की लगती है क्योंकि तापसी पन्नू काफ़ी ऐसी मूवीज हो जाती है कि आप लोग सस्पेंस ड्रामा देखने को मिलता है फिर वो आप लोग इन्जॉय करवाती है। तो मैं अगर कहूँ तो यार OTT के मामले में ये मूवी अच्छा किया कि इस मूवी को OTT पर रिलीज किया, क्योंकि सिनेमाघरों में इस मूवी को कोई देखने नहीं जाता क्योंकि ये डिजर्व करती थी OTT पर रिलीज करना, और OTT पर अच्छा किया रिलीज किया और लोगों को पसंद भी आएगी क्योंकि घर पर बैठकर आराम से इस मूवी को चिल कर कभी बंद करते कभी देख सकते हैं आप लोग आराम से इस मूवी को देख जाओगे क्योंकि ये मूवी आराम से आप लोग पसंद आ जाएगी। मुझे स्टोरी वाइज भी मूवी अच्छी लगी है और मैं एक ऐसा कहूँ कि इस मूवी का रिव्यू करने का मतलब ये था क्योंकि मुझे मूवी मैंने कहा कि अगर मूवी मुझे पसंद नहीं आएगी तो आप लोग नहीं बताऊंगा कि मूवी कैसी है, लेकिन यार मैंने मूवी देखी मुझे अच्छी लगी और मैंने कहा आप लोग को बताना मेरा फर्ज है कि ये मूवी आप लोग एक बार जरूर देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मूवी देख भी होगी क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखी तो जाकर इस मूवी को देखो, इजी आप लोग को देखने को मिल जाती है OTT पर डायरेक्ट घर पर आप लोग आराम चिल कर इसको सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर आप लोग देखना चाहते हो कोई अच्छी स्टोरी देखना चाहते हो फ्रेश स्टोरी देखना चाहते हो तो जाकर इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हो। तो तापसी पन्नू का काम आउटस्टैंडिंग मजा आ गया आप लोग देखने में। और ये लूप लपेटा अगर बात करें तापसी पन्नू की, अगर मैं पिछली मूवी अगर बात करूँ तापसी पन्नू की काफ़ी ऐसी मूवीज हैं कि वो नहीं चली OTT पर या सिनेमा में भी नहीं चली लोगों को पसंद नहीं आई, तो उनके हिसाब से ये मूवी बहुत अच्छी है आप लोग देखनी चाहिए। लेकिन हाँ इस मूवी में काफ़ी कमियाँ हैं लेकिन वो क्या बात करें, लेकिन उनको साइड में कर आप लोग ये माइंड रखो कि मूवी अच्छी आई है तो हमको देखने पड़ेगी, तो आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मूवी पसंद आई होगी, अगर आप लोग देखिए नहीं देखी तो आप लोग जाकर इस मूवी को देख सकते हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ कहना हो तब तक दी बाइक हो जाए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, किसी तरह वीडियो आप लोग सबसे पहले मिलती है।